Good morning, student. Welcome to St. Angel's online classes from home. Today we have third part of the Happy Prince. The next day, the swallow flew down to the harbor. Dear student, as we are talking about the bird, तो क्या कहते हैं अगले दिन जो swallow bird थी, it flew down, ये उड़ जाती है to the port harbor. He sat on the mast of a larger vessel. और बैठ जाती है जाकर किस पर? Mast, the highest pole of the large vessel. यहाँ पर क्या है? Ship. And watch the sailors working. और देखती है जो नाविक है, how they are working, वो कैसे काम कर रहे हैं. I am going to Egypt. और वो अनाउंस करती है कि मैं भी कहाँ जा रही हूँ? Egypt जा रही हूँ. Cried the swallow, but nobody minded. और जो swallow है वह चिल्लाती है, but कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है. And when the moon rose to he, जैसे ही जो मून है, इट केम आउट, जैसे ही ये निकलना स्टार्ट होता है, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वह उड़कर वापस पहुंच जाती है किसके पास? द हैप्पी प्रिंस के पास. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड. और क्या कहती है कि प्रिंस, मैं आई हूँ आपको गुड बाय कहने के लिए. और तभी प्रिंस क्या कहता है बच्चों? स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, कि स्वेलो बर्ड, Will you not stay with me one night longer? कि क्या आज एक रात और मेरे साथ नहीं रुकोगे? It is winter. बहुत ज़्यादा सर्दी है, answered the swallow. And the snow will soon be here. और swallow ने क्या कहा? कि भाई winter start हो गई है and बहुत जल्द बर्फबारी भी होने लगेगी. In Egypt, the sun is warm on the green palm tree. कि अगर if I talk about Egypt की मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो sun is warm means वहाँ पर अभी गर्मी है. And I can go and pass my time on the palm trees. And the crocodile lie in the mud. और जो crocodile हैं वो लेटे हुए हैं mud में, look lazily about them. आलस से भरे हुए. In the square below, तभी जो prince है वो अपनी कहानी बताना start करता है. क्या कहता है student? In the square below, said the happy prince, कि वहीं नीचे square पर जो happy prince है बोलता है, there stand a little match girl. वहाँ पर खड़ी है एक छोटी सी लड़की, who is having match girl, जो matches हम लोग बात करते हैं. She has let her matches fell in the gutter. और dear student, उसकी जो matches है, जो matches हैं, वो कहाँ पर गिर गई हैं? वो gutter में गिर गई हैं. Sewage होता है, जो नाली होती है. And they are all spoiled. और इस तरह से वो सब बर्बाद हो गई हैं. Her father will beat her if she does not bring home some money. और उसके जो पापा है वो क्या करेंगे? वो उसे पनिश करेंगे अगर वह घर पर नहीं लेकर जाती कुछ पैसे. And she is crying. और इस तरह से वह रो रही है. सी हैज नो शूज, उसके पास डियर स्टूडेंट कोई भी शूज नहीं है. और स्टॉकिंग, डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया, क्या कहता है? स्टॉकिंग. हर लिटिल हेड इज बेयर, वॉक करने के लिए उसके पास शूज नहीं है. और जो उसका सर है वह भी बिना किसी कपड़े के. ही हैज नथिंग टू पुट ऑन हर हेड, प्लक आउट माई अदर आईज. और क्या कहता है कि जो मेरी दूसरी आंख है उसे भी क्या कर दो? उसे भी निकाल दो. And give it to her, यह उसे दे दो. And her father will not beat her. और इस तरह से उसका जो पापा है वह उसे पनिश नहीं करेगा. I'll stay with you one night longer, said the swallow. और इस तरह से जो swallow bird है वो क्या कहती है बच्चों? कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगी. But I cannot pluck out your eyes. लेकिन मैं क्या नहीं कर सकती? I cannot pick out your eyes. मैं तुम्हारी दूसरी आंख है वह नहीं निकाल सकती. You would be quite blind then. कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो क्या होगा स्टूडेंट? कि तुम बहुत ज्यादा अंधे हो जाओगे. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. प्रिंस ने कहा, do as I command you. कि ऐसे ही करो जैसे मैं आपको कहता हूँ. So he pulled out the prince's other eyes. और इस तरह से उसने प्रिंस की दूसरी आंख भी निकाली. And darted and started flew away with it. He swept past the match girl. Swept होता है रिस्टोरेंट flying, parallel to earth, नीचे उड़ते हुए. She reached the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. और इस तरह से रिस्टोरेंट she put the jewel, जो ज्वेलरी थी वह उसके हाथों में रख दी. What a lovely bit of glass, cried the little girl. और इस तरह से जो लड़की थी वह क्या करने लगी? She was really very happy to see that नीलम, उस डायमंड को देखकर. एंड सी रेन होम लाफिंगली, और वह दौड़ते हुए हंसते हुए घर चली गई. देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, जो स्वेलो बर्ड थी रेस्टोरेंट वापस आती है प्रिंस के पास. यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सैड. और वह कहती है कि राजकुमार, अब आप क्या हो? अब आप ब्लाइंड हो. I will stay with you always. और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी. No little swallow, said the poor prince. जो राजकुमार था उसने क्या कहा? कि नहीं छोटी चिड़िया, you must go away to Egypt. तुम्हें कहाँ जाना होगा? अब तुम्हें Egypt जाना
चाहिए. नाउ आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, कि नो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, सैड द स्वैलो. एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वह कहाँ पर, वह सो गई किसके कम पैरों में, जो प्रिंस स्टैचू था उसके पैरों में सो गई. ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर, और द स्टूडेंट इस तरह से हर अगले दिन हर सुबह वह बैठती प्रिंस के कंधे पर. एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड, और सुनाती उसे कहानी जो उसने देखा है स्ट्रेंज लैंड्स में. डियर लिटिल स्वेलो सैट द प्रिंस, जो राजकुमार था क्या कहता है, डियर लिटिल स्वेलो यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग, तुमने मुझे बताया बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में. बट मोर मार्वलस देन एनी थिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग और अच्छा क्या है, सबसे ज़्यादा अब मुझे जो लगा वो है दैट इज द सफरिंग ऑफ द मैन एंड वुमेन, की जो मैंस है वुमेन है जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट स्ट्रेंज. देर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, और कहता है कि कोई भी रहस्य इतना बड़ा रहस्य नहीं है जितना कि सफरिंग ऑफ लाइफ. फ्लाई ओवर माई सिटी, और जाओ मेरे शहर के ऊपर उड़ो लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर, और मुझे बताना तुम वहां पर क्या देखते हो. सो द स्वेलो फ्ली ओवर द ग्रेट सिटी, और इस तरह से रेस्टोरेंट जो बर्ड है वह शहर के ऊपर से उड़ती है. एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउस, और देखती है क्या कि जो रिच लोग हैं, जो धनी लोग हैं, दे आर हैप्पीली लिविंग देयर ब्यूटिफुल हाउस वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट, जो भिखारी हैं वो उनके दरवाजों पर बैठे हैं. एंड ही फ्लू इन टू डार्क लैन, और वह उड़ती है डार्क लैन जो गलियां हैं अंधेरे वाली. एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली, और देखती है क्या सफ़ेद चेहरे उन भूखे स्टार्विंग बच्चों के, जो लुकिंग आउट जो ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं बेचैनी से एट द ब्लैंक स्ट्रीट. अंडर द आर्चरी ऑफ ए ब्रिज टू लिटिल बॉय वर लिविंग इन ईच अदर्स, डिस्ट्रेंट वहीं पर एक ब्रिज के नीचे क्या कहती है, देर वर टू लिटिल बॉयज, दो छोटे बच्चे जो वहां पर लेटे हुए हैं एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़े हुए, ट्राई टू कीप themselves वार्म, अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रही हैं. हाउ हंग्री वी आर, कितने भूखे हम हैं, दे सैड यू मस्ट नॉट लाई हीयर, तुम्हें यहाँ नहीं लौटना चाहिए. क्या करना चाहिए, यू मस्ट नॉट लाई हीयर, आपको यहाँ पर नहीं लेटना चाहिए. शाउटेड द वॉचमैन, जो वॉचमैन है वह भी उन पर चिल्लाता है और उन्हें वहां से दूर भगा देता है. एंड वंडर्ड आउट इन टू द रेन, और वो बारिश में यहाँ वहां घूमते हैं. देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और इसके बाद जो स्टूडेंट बर्ड है वो क्या करती है, वह वापस उड़कर जाती है और राजकुमार को बताती है कि उसने वहां पर क्या देखा. आई एम कवर्ड विद द फाइन गोल्ड, और जो प्रिंस है क्या कहता है कि मैं कवर्ड हूँ स्टूडेंट, कि आई एम कवर्ड विद द फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें इस कवरिंग को, इस गोल्ड को उतारना होगा लीफ बाय लीफ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, एंड गिव इट टू द पुअर्स, और जो गरीब लोग हैं उन्हें से देना होगा. द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, और क्या कहता है कि वो लोग जो वहां पर हैं वो सोचते हैं कि जो सोना है वह हमेशा उन्हें खुश कर सकता है. और इस तरह से जो स्वैलो बर्ड है उसने क्या किया, लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड स्वैलो पिक्ड ऑफ, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा जो सोना था वह स्वैलो ने उठाया. एंड टिल द हैप्पी प्रिंस लुक वाइल्ड डल एंड ग्रे, जब तक कि जो राजकुमार है वह कैसा ना हो गया हो, वह डल और ग्रे ना नजर आने लगा हो. स्टूडेंट जो सोने की परत वह पूरी उतर गई. लेफ लीफ आफ्टर लीफ ऑफ, और इस तरह से थोड़ी थोड़ी लीफ आफ्टर लीफ, थोड़ा थोड़ा सोना उतारने के बाद में हम देख सकते हैं जो राजकुमार था अब वह एक आयरन का ही स्टैचू रह गया था. फाइन गोल्ड ही बोट टू द पुअर, और स्टूडेंट वो जो गोल्ड था वह किसको देकर आता है, जो गरीब लोग है उनको. द चिल्ड्रंस फेसिस ग्रू रोजियर, अब जो बच्चे थे दे स्टार्टेड गेटिंग देयर फूड, उन्हें खाना मिलने लगा और उनका चेहरा कैसा हो गया, गुलाबी. एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो हंसने लगे खेलने लगे कहाँ पर, इन द स्ट्रीट. वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास ब्रेड है, दे क्राइड. देन द स्नो केम, और तभी बर्फबारी होती है. एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और स्नो के बाद देयर कम द स्टॉर्म. द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, जो गलियां थी स्टूडेंट वो कैसी नजर आने लगती हैं, मानो कि वह सिल्वर की बनी हो. बिकॉज ऑफ द स्नो एवरीबडी वेंट अबाउट इन फॉर, हर कोई व्यक्ति इधर उधर घूमता हुआ नजर आता है. इन देयर वुलन क्लॉथ एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप एंड स्केटेड ऑन द आइस, और जो छोटे बच्चे हैं दे आर ऑल्सो वियरिंग कैप्स, उन्होंने पहनी है और वो भी स्केटिंग कर रहे हैं कहाँ पर, आइस पर. द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रीव कोल्डर, स्टूडेंट
जो छोटी सी स्वैलो बर्ड है वो क्या होती है, वह बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगती है, यानी कि ठंड की वजह से. बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने डिटरमाइन किया था कि वह राजकुमार को नहीं छोड़ेगी. ही लव्ड हिम टू वेल, वह उसे इतना प्यार करती है. ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, अपनी जीविका चलाने के लिए वो क्या करती थी स्टूडेंट, वह उठाती थी क्रम्स टुकड़े आउटसाइड द बेकर, जो बेकर होता है ब्रेड बनाने वाला, उसके बाहर से टुकड़ों को उठाना और खाना. द बेकर वॉज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वॉर्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, जब बेकर उसे नहीं देख रहा होता और अपने पंखों को फड़फड़ाती थी क्या करने के लिए, अपने आप को थोड़ा गर्म रखने के लिए. बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, और आखिरकार वह जानती है क्या कि वह मरने वाली है. ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्जर, उसके पास इतनी ही स्ट्रेंथ थी ताकि वह राजकुमार के कंधे पर तक उड़कर जा सके. वंस मोर गुड बाय डियर प्रिंस, और कहती है कि राजकुमार गुड बाय, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ पर किस करने दोगे. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, और प्रिंस ने क्या कहा कि मुझे खुशी है लिटिल स्वेलो कि तुम इजिप्ट जा रही हो. यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, तुम इतना मेरे पास रही, बट यू मस्ट किस मी ऑन लिप्स, तुम मेरे हाथ पर नहीं मेरे लिप्स पर किस करोगे, फॉर आई लव यू, जैसे कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ. इट इज नॉट इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, यह इजिप्ट नहीं है जहां मैं जा रही हूँ, सैड द स्वेलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, कि मैं मर रही हूँ. आई एम गोइंग टू डेथ, डेथ इज ब्रदर, इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, जो डेथ है वह किसका भाई है, वह नींद का भाई है जिससे कोई कभी भी नहीं जागता. इज ही नॉट, एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस, और उसने किस किया हैप्पी प्रिंस को उसके लिप्स पर, एंड फेल डाउन डेड हिज फीट, और उसके पैरों में द स्टूडेंट गिर गई और मर गई. डियर स्टूडेंट, इट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, आई एम गोइंग टू स्टॉप इट ओवर हियर, इन द फोर्थ पार्ट वी शैल कंप्लीट दिस चैप्टर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.